ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, फर्स्ट ऑप्शन और ये डी ऑप्शन दोनों सेम है, तो ये भी सही है ये भी सही है, ये गलत है ये गलत है। ठीक है चलो, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम हैवी वाटर एट टेम्परेचर टी। अगर कोई न्यूट्रॉन है जिस पे चार्ज जीरो है, ठीक है चार्ज तो है नहीं, लेकिन वो न्यूट्रॉन के पास मास एम है और कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो यार अगर वेलोसिटी ही नहीं होगी सीज हो जाएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ से बनेगा? बिना मोशन के डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बनेगा ही नहीं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो एच अपान मोमेंटम एम भी होता है, और एच अपान मोमेंटम की वैल्यू टू मास और टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, थर्मोडाइनेमिक्स हम पढ़ के आए हैं, न्यूट्रॉन की थर्मल इक्विलिब्रियम पे इस टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी 3/2 बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, तो ये उठा के यहाँ रख दोगे तो लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच अपान टू टाइम्स एम काइनेटिक एनर्जी 3/2 के टी, तो टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो डी ब्रोगली वेव लेंथ आ जाएगा एच अपान 3 टाइम्स एम और टेम 3 टाइम्स एम टेम्परेचर टी अंडर रूट, ये टी टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन है, ठीक है, या तो उस न्यूट्रॉन की जो डी जो वेव लेंथ है जो जो मैटर वेव एसोसिएटेड है वो इतना ही होगा, 2 टाइम्स बाई के भी तो रहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये अपॉन 2 एम के टी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज